सभापति महोदय, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर संशोधन बिल 2020, जिसकी चर्चा अभी सदन में हाल ही में महेंद्र जी हमारे माननीय सदस्यों ने की, सभापति महोदय, सदन के उपनेता राठौड़ साहब ने राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर की स्थापना की बात की। 8 नवंबर 1987 को स्थापना हुई और ये बात सही है कि 2009 में उस समय की तत्कालीन सरकार ने देश के स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक सुधारक प्रेरण नेता स्वामी केशवानंद जी के नाम पर स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का नामांकन किया। शिक्षा के क्षेत्र में और समाज सुधार के क्षेत्र में आप हम सभी जानते हैं कि स्वामी केशवानंद जी, जिनका संपूर्ण प्रदेश में और देश में अपना एक स्थान है, आज उसी विश्वविद्यालय के संशोधन विधेयक पर यहाँ चर्चा की गई। राठौड़ साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए माननीय अशोक लाहौटी जी, बिहारी लाल जी नोखा, कासनिया जी, अभिनेश महर्षि जी, बलवान पूनिया जी और इन सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए, अच्छे सुझाव भी दिए। विश्वविद्यालय के साथ साथ में आपने अकाल की भी चर्चा की, कृषि के क्षेत्र में जो नवाचार होने चाहिए उनकी चर्चा की। और राठौड़ साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि मुझे एक बार वहाँ जाने का मौका मिला है और जिस पानी की चर्चा इन्होंने की, मुझे याद है वो दिन कि मैंने भी वो जगह देखी। मेरे साथ में भाटी साहब भी थे, गोविंद मेघवाल जी भी थे और उस समय जो वीसी थे उनके पास में अतिरिक्त चार्ज था। और ये बात सही है कि यदि उस पानी की उपयोगिता आज हम करना चाहें नवाचार के माध्यम से या एसटीपी लगा के, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि समस्या का समाधान हो सकता है। मैंने उस पर चर्चा भी उस समय भी की थी और मुझे मालूम चला, अभी बिरला जी ने बताया कि उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो निश्चित तौर पे ऐसे जो काम हैं वो समय पे होने चाहिए। ये जो बिल हम लेके आए, संशोधन बिल लेके आए हैं, इसी प्रकार के संशोधन इस विधानसभा में पिछले सत्रों में लगभग 13 विश्वविद्यालयों के इस सदन द्वारा पारित किए जा चुके हैं। सभापति महोदय, इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में स्पष्ट अंकित किया गया है, राजस्थान के पांचों राजकीय कृषि विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में कुलपति को उन परिस्थितियों में हटाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है जहां वे उक्त अधिनियम के उपबंधों का क्रियान्वयन करने में जानबूझकर लोप या इनकार करता है या उसमें निज शक्तियों का दुरुपयोग करता है या जहाँ कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि उसका पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकारक है। सभापति महोदय, इस बिल को लाने की मंशा सरकार के साथ साथ में राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति द्वारा भी निर्देशित किया गया। उनके पत्राचार के बाद में ऐसी परिस्थिति में कुलाधिपति को राज्य सरकार के परामर्श से कुलपति हटाए नहीं जाने के लिए सशक्त किया जाना प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 13 जून 2013 के नोटिफिकेशन के तहत भी सारे विश्वविद्यालयों में एक रूपता के लिए मॉडल एक्ट का प्रावधान है। कृषि विश्वविद्यालयों में जो संशोधन प्रस्तावित हैं, ऐसे ही संशोधन राजस्थान विधानसभा के द्वितीय सत्र में एक साथ राजस्थान के 11 अन्य विश्वविद्यालयों एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के अंदर कुलपति की योग्यता क्या होगी, इसको लेकर संशोधन पारित किया गया। कुलपति के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई व्यक्ति पात्र नहीं होगा जब तक वह किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी प्रतिष्ठा शोध और शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन के किसी समकक्ष पद पर अनुभव रखने वाला और सक्षमता, सत्यनिष्ठा और नैतिक आधार तथा संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्च स्तर वाला प्रख्यात शिक्षाविद नहीं होगा। ये विधेयक अनावश्यक रूप से कुलपति को नहीं हटा रहा,
इसके लिए नियमानुसार जांच होगी, बाकायदा प्रक्रिया तय होगी। कोई अनियमितता सामने आती है तो निलंबन किए जाने का प्रावधान है। माननीय सभापति महोदय, सरकार विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की पूर्ण पक्षधर है, परंतु निरंकुशता, अनियमितता, पक्षपात जैसी स्थितियाँ अगर उत्पन्न हो जाती है, कुलपति द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है, कुलपति विश्वविद्यालय के नियमों के तहत एक्ट नहीं करे, तब जाकर कुलपति को हटाने की बात आती है। सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों के विचार जानने के बाद में माननीय सदस्यों जो जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव पेश किया है, उसे अस्वीकार किया जाए। प्रश्न ये है कि स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर संशोधन विधेयक 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए, जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें, ना पक्ष जीता ना पक्ष जीता, विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव है स्वीकार किया गया। प्रश्न ये कि स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर संशोधन विधेयक 2020 को विचारार्थ लिया जाए, जो पक्ष में वहाँ कहें, तो विपक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता हाँ पक्ष जीता, विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड से विचार, खंड दो कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये कि खंड दो स्वीकार किया जाए, तो पक्ष में हाँ कहें, तो विपक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता हाँ पक्ष जीता, खंड दो स्वीकार किया गया। खंड तीन, प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर संशोधन विधेयक 2020 को संशोधित रूप से पारित किया जाए। संशोधन प्रस्तुत करेंगे आप? संशोधन प्रस्तुत करें आप। सभापति महोदय, विधेयक के खंड तीन में धारा 19 के की विद्यमान उपधारा एक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए। इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार की रिपोर्ट पर या अन्यथा किसी भी समय कुलाधिपति की राय में कुलपति एवं अधिनियम के उपबंधों का क्रियान्वयन करने में जानबूझकर लोप या इनकार करता है या उसमें निज शक्तियों का दुरुपयोग करता है या कुलपति कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकारक है, तो कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह उचित समझे आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकेगा। परंतु कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से ऐसा आदेश करने से पूर्व जांच लंबित रहने के दौरान कुलपति को किसी भी समय निलंबित कर सकेगा, परंतु ये और कि कुलाधिपति द्वारा कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कुलपति को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध हेतु दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो। प्रश्न ये कि खंड तीन में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाए, जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें, जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें, हाँ पक्ष जीता हाँ पक्ष जीता, संशोधन स्वीकार किया गया। प्रश्न ये कि खंड तीन संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए, जो पक्ष में वहाँ कहें, तो विपक्ष में हो ना कहें, हाँ पक्ष जीता हाँ पक्ष जीता, खंड तीन संशोधित रूप में स्वीकार किया गया। खंड एक अधिनियम सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये कि खंड एक अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किया जाए, जो पक्ष में वहाँ कहें, तो विपक्ष में हो ना कहें, हाँ पक्ष जीता हाँ पक्ष जीता, खंड एक अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। श्री लालचंद कटारिया, प्रभारी मंत्री।